नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। मुंबई में बारिश की शुरुआत हुई नहीं कि सड़कें की हालत पूरी तरीके से बदहाल हो जाती है। हर जगह सिर्फ और सिर्फ गड्ढे नजर आते हैं, मिनटों की दूरी घंटों में तय होती है। अब अगर देखा जाए तो इसको लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अधिकारियों को फटकार लगाई है और साफ तौर पर निर्देश दिया है कि मुंबई में गड्ढा भरने का काम युद्ध स्तर पर किया जाए। मुख्यमंत्री ने शनिवार को मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी MMRDA, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम, राज्य सरकार और पुलिस से उन कर्मचारियों को नामित करने को कहा जो केवल मुंबई महानगर क्षेत्र में गड्ढों को भरने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि ये काम 24 घंटे और 7 दिन जारी रहेगा। शिंदे को थाने की सड़कें खासकर अपने घर के पास भिवंडी बाईपास पर मौजूद गड्ढों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, जबकि मुंबई में राजमार्गों का रखरखाव मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण यानी MMRDA द्वारा किया जाता है। MMRDC शहर में कुछ फ्लाईओवरों के रखरखाव और मुमरा बाईपास के चौड़ीकरण की देखभाल करता है। राजकीय अतिथि गृह सह्याद्री में अधिकारियों के साथ हुई बैठक में शिंदे ने कहा कि गड्ढों को तैयार मिश्रण सामग्री से भरना होगा। बाद में दिन में शिंदे ने थाने शहर के लिए अतिरिक्त पानी को मंजूरी दी जो पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा कालू और शाही नदियों पर प्रस्तावित बांधों पर काम की समीक्षा करते हुए शिंदे ने MMRDA से भूमि अधिग्रहण के लिए 336 करोड़ रुपए मंजूर करने को कहा, क्योंकि परियोजनाओं से 12 गांवों और 23 बस्तियों को प्रभावित किया जाएगा। कालू परियोजनाओं से लगभग 1000 हेक्टेयर वन भूमि जलमग्न होने वाली है। रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई। तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बन गई है और ऐसे में तमाम तरीके की चीजें भी सामने आ रही है। अब एक ये चौंकाने वाला खबर सामने आया है कि जब एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी उस दौरान उद्धव ठाकरे ने फडणवीस को फोन किया था और डील करने की कोशिश की थी। आखिर किस चीज की डील, क्या बात हुई थी? शिवसेना में बड़ी फूट के बाद महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार आई है। ये नई सरकार बनने के बाद एकनाथ शिंदे गुट की बगावत के दौर की इनसाइड स्टोरी सामने आनी शुरू हो गई है। सरकार संगठन के लिए देवेंद्र फडणवीस भेष बदल कर एकनाथ शिंदे से मिल रहे थे। आधी आधी रात में दोनों नेताओं की गुपचुप मुलाकातें हो रही थी। जिस तरह से सारी खबरें सामने आई उसी तरह से उद्धव के खेमे में क्या चल रहा था ये खबर भी सामने आने लगी। शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस के साथ संपर्क कर उनसे डील करना चाहते थे। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए सीधे PM नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी संपर्क किया था, लेकिन इन दोनों नेताओं ने रिस्पॉन्स नहीं और आखिर में उद्धव ठाकरे को गद्दी छोड़नी पड़ी। एकनाथ शिंदे 26 विधायकों को लेकर सूरत गए, ये 21 जून 2022 को साफ हो गया। इसके बाद उद्धव ठाकरे हरकत में आए। शिंदे की बगावत को फ्यूज करने के लिए ठाकरे ने नया दांव चलने की कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने उस वक्त उनके साथ मौजूद विधायकों के डोलते हुए मन को टटोलने की कोशिश की और उन्हें अपने साथ बनाए रखने का प्रयास किया। इस दौरान सूरत से शिंदे गुट के विधायक को गुवाहाटी ले जाया गया। ठाकरे के साथ वाले विधायक वाया सूरत होकर गुवाहाटी जाने लगे। इसके बाद उद्धव ठाकरे एकदम घबरा गए। एक खबर के मुताबिक इस दौरान उद्धव ठाकरे ने अपने बेहद करीबी और कैबिनेट मंत्री रह चुके नेता के माध्यम से देवेंद्र फडणवीस से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उद्धव ठाकरे को ये समझ आ गया कि जितनी तेजी से विधायक उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं उन्हें रोकने में वे कामयाब नहीं हो पाएंगे। तब सूत्रों के मुताबिक उन्होंने खुद देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बात की। बताया जाता है कि बगावत रोकने के लिए उद्धव ठाकरे ने फडणवीस को सीधे BJP शिवसेना के साथ साथ आने का प्रस्ताव दे दिया था, लेकिन फडणवीस ने कहा कि मामला बहुत आगे बढ़ चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। फडणवीस ने ये दो टुक लहजे में उद्धव ठाकरे को बता दिया। उद्धव और फडणवीस के बीच साल में ये पहली बार संवाद हुआ। इस बीच BJP नेतृत्व ने उद्धव ठाकरे को PM नरेंद्र मोदी और अमित शाह से चर्चा करने की सलाह दी और उन्होंने चर्चा भी की। इस दौरान शिवसेना के कुछ सांसदों ने उद्धव से NDA की राष्ट्रपति उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए कहा और उद्धव ने उनकी बात मानी। BJP के पास बार बार जाकर कोई राह नहीं निकल रही थी। शिवसेना सांसदों को भी BJP नेतृत्व की ओर से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। कुछ शिवसेना पदाधिकारी रश्मि ठाकरे का संदेश लेकर एकनाथ शिंदे के पास गए,
लेकिन बीजेपी की ओर से कोई रिस्पांस ना मिलने की वजह से अब एकनाथ शिंदे भी वापस लौटे इसकी संभावना कम दिखाई दे रही है। तो मुंबई के मालवनी में अपराधी बेखौफ है। पिछले 15 दिनों में 3 हत्या के मामले सामने आए हैं, वो भी चौंका देने वाले। मालवनी में 3 दिनों में हुआ 3 लोगों का मर्डर, 15 दिनों में 4 लोगों की हुई हत्या। मालवनी बना मौत का हब, सभी आरोपी हुए गिरफ्तार। मुंबई के मालवनी इलाके में पिछले 3 दिनों में 3 हत्या का मामला सामने आया है। तो वहीं बात की जाए पिछले 15 दिनों की, तो 15 दिनों में 4 लोगों की हत्या का मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके में खौफ का माहौल बना हुआ है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पहली हत्या 14 जुलाई को मर्ड आइलैंड के एक लॉन्च में प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का किया था। तो वहीं दूसरी हत्या मालवनी गेट नंबर 8 का है, जहाँ 15 जुलाई की रात को पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ और पति ने पत्नी की मसाला पीसने वाले सिलवट्टे से मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद मालवनी पुलिस ने आरोपी महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरी हत्या 16 जुलाई की दोपहर 12:30 का है। मालवनी के अंबुजवाड़ी इलाके में मृतक तौफीक खान शौचालय जा रहा था, उसी दरमियान 16 साल के आरोपी से दोनों के बीच झगड़ा होने लगा और आरोपी ने चाकू तौफीक खान के ऊपर हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया। इस घटना में भी 16 साल के नाबालिग आरोपी को मालवनी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं चौथा हत्या 5 से 15 दिन पहले हुआ था। 3 दिन में 3 हत्या और कुल 15 दिनों में 4 हत्या के बाद मालवनी इलाके में रहने वाले लोगों के दिल में खौफ का माहौल बना हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक करके हुए चारों हत्या के बाद अब मालवनी पुलिस की मुश्किलें भी बढ़ गई है। अब देखना यह होगा कि मालवनी इलाके में आए दिन हो रहे हत्या पर पुलिस कैसे रोक लगाती है। मालवनी पुलिस स्टेशन को रात को एक आदमी ने आके इन्फॉर्मेशन दिया कि उसने अपने खुद की पत्नी को मार दिया है। तो पुलिस स्टेशन के ड्यूटी पे जो ऑफिसर थे उन्होंने तत्काल उसके साथ में जाके घर पे जाके देखा तो एक लेडी थी जिसको यानी जख्मी अवस्था में मिली थी, बहुत ज़्यादा खून भी बहा था उसका। उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के बाद में उसको मृत घोषित किया गया है और जो आदमी ने उसे मारा है उसका पति है और दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ था। उस झगड़े की वजह से, आपसी झगड़े की वजह से उसने उसको मार दिया। इसमें धारा IPC कलम 302 के तहत हमने मामला दर्ज किया हुआ है और आगे की तहकीकात चल रही है। मेट्रो मुंबई के लिए ज्योति यादव के साथ संवाददाता धनुषधारी यादव की रिपोर्ट। तो थाने में गड्ढे के कारण एक और जान चली गई। अभी से कुछ दिन पहले एक खबर सामने आई थी घोड़बंदर रोड की और आज एक फिर यहाँ पे बारिश की वजह से इतना जो रोड पे गड्ढा गिर गया ना, उसके वजह से सुबह एक आदमी का जान गया। बारिश में नागरिकों को परेशान करने वाली गड्ढे जानलेवा भी होते हैं, ये तो सब जानते हैं। गड्ढों की वजह से सड़क हादसे होते हैं जिनमें कई लोगों की जान चली जाती है। कल यानी शनिवार को एक 26 साल के अमरनाथ निवासी की गड्ढे की वजह से मौत हो गई। ये घटना खोनी गांव के पास कटाई बदलापुर रोड पर हुई। गड्ढे की वजह से मोटरसाइकिल ने नियंत्रण खो दिया। इसके बाद दोपहिया वाहन बगल में जा रही कल्याण डोंबिवली नगर परिवहन की बस से टकरा गया। बस के नीचे आने की वजह से इस 26 साल के युवक की तुरंत मौके पर मौत हो गई। इस मामले पर स्थानीय नागरिकों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। यहाँ पे बारिश की वजह से इतना जो रोड पे गड्ढा गिर गया ना, उसके वजह से सुबह एक आदमी का जान गया। तो ये KDMC वाला, MMRD वाला, ये रोड के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। इतना बारिश, थोड़ा सा बारिश नहीं हुआ तो इतना गड्ढे कर गया। ये रास्ते का क्वालिटी देखो, कुछ मतलब नहीं। KDMC वाला सोया है, MMRD वाला सोया है, सब सोए। बदलापुर डोंबिवली रोड होली बुलावा के पास आज जैसे आदमी मर गया है एक्सीडेंट होके। उधर रात में रिक्शा मेरा गिर गया था, स्टेट टूट, मैं भी बच गया था मरते मरते। ऊपर लग सुकूर नहीं मरा, लड़ते लड़ते इतने खराब खराब गड्ढा, तो डर लगेगा ना। यही वो सड़क है जहां पर कल एक 26 साल के युवक ने गड्ढे की वजह से अपनी जान गंवा दी।
एक हफ्ते पहले ही एक मामला सामने आया था जहां एक 35 साल के युवक की गड्ढे की वजह से मौत हो गई। दो हफ्ते में दो मामले, यानी जब तक बारिश चलेगी तब तक किसी न किसी की जान ये गड्ढे लेती रहेगी और प्रशासन चुप बैठी। इन गड्ढों की समस्या जब तक हल नहीं होती है तब तक ऐसे ही नागरिकों की जान जाती रहेगी। मेट्रो मुंबई के लिए सुनील शर्मा की रिपोर्ट। तो जल्दी मेट्रो 3 पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी और मुंबई करोगा सफर और भी ज्यादा आसान। मुंबई वासियों को और बेहतर सुविधा देने के लिए MMRDA लगातार प्रयास कर रही है और इसी बीच मेट्रो को लेकर मुंबई करों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अगले महीने मेट्रो 3 का ट्रायल रन शुरू होने की संभावना है। मुंबई की पहली भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर पर अगले महीने से ट्रायल रन शुरू हो सकता है। इसके लिए मेट्रो की पहली रेक अगस्त तक मुंबई पहुंचेगी। मेट्रो 3 कॉरिडोर की पहली रेक आंध्र प्रदेश की श्री सिटी में बनकर तैयार है। कार शेड का मामला हल नहीं होने की वजह से रेक को लाया नहीं गया था। राज्य में सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही शिंदे सरकार ने आरे में ही कार शेड तैयार करने का निर्णय लिया। कार शेड का मुद्दा हल होने के साथ ही मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ट्रायल रन शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी। MMRCL की नई MD अश्विनी भिड़े ने शनिवार को साइट पर पहुंच कॉरिडोर के निर्माण कार्य का जायजा लिया। कोलाबा बांद्रा सीप्स के बीच 33.3 किलोमीटर लंबे मेट्रो 3 कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। पूरे मार्ग पर 98.9% तक टनल तैयार हो चुका है। 2 से 3 महीने में 100% भूमिगत मार्ग तैयार कर लिया जाएगा। पूरे कॉरिडोर का सिविल वर्क भी करीब 84% तक हो चुका है। सरकार कॉरिडोर के पूरे मार्ग के बजाय शुरुआती चरण में मेट्रो के कुछ स्टेशनों के बीच ट्रायल रन करेगी। मरोल मरोशी से मेट्रो के ट्रायल रन की शुरुआत होगी। ट्रायल रन के दौरान रूट पर 10,000 किलोमीटर तक मेट्रो को दौड़ाया जाएगा। पूरी सुरक्षा मानकों की जांच के बाद ही यात्रियों के लिए कॉरिडोर को खोला जाएगा। मेट्रो 3 कॉरिडोर के बन जाने से दक्षिण मुंबई से उपनगर तक पहुंचना बेहद ही आसान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुंबई के अंधेरी स्टेशन पर आज एक संदिग्ध घूमता हुआ मिला, जिसके बाद क्या था, लोग उसका पीछा करने लगे और उसके बाद जो हुआ वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। स्टेशन पर घूमता मिला संदिग्ध व्यक्ति, सभी कर्मचारियों ने किया पीछा, अंत में संदिग्ध व्यक्ति ने कबूला अपना जुर्म। मामला अंधेरी रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 6-7 का है, जहां एक संदिग्ध व्यक्ति को घूमते हुए देखा गया। इसके बाद स्टेशन पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसका पीछा किया। फॉलोअप के दौरान संदिग्ध व्यक्ति ने यात्री से चोरी शुरू की, फिर पर्स चोरी होने की भी सूचना मिली। इसके तुरंत बाद ही संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया गया और RPF पोस्ट अंधेरी में लाया गया। पूछताछ की गई और फिर IPC की धारा 389 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। आपको बता दें कि यात्रियों के बीच उसका नाम पूछताछ के दौरान नरेंद्र अभिनाथ पांडे ने बताया था, लेकिन जब पुलिस ने और भी लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि उसका असली नाम अरबाज यासिन खान है और उम्र 21 साल, जो कि नाला सोपारा ईस्ट का रहने वाला है। मेट्रो मुंबई के लिए ज्योति यादव के साथ संवाददाता धनुषधारी यादव की रिपोर्ट। करीना कपूर की एक तस्वीर लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस तस्वीर को शेयर कर ये कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि करीना कपूर सैफ अली खान के तीसरे बच्चे को जन्म देने वाली है। क्या बेबो एक बार फिर बनने वाली है माँ? क्या बेबो सैफ अली खान के तीसरे बच्चे को देने वाली है जन्म? सोशल मीडिया पर एक तस्वीर लगातार हो रही है वायरल। इस तस्वीर को देखकर बेबी की प्रेगनेंसी का लगाया जा रहा है अंदाज। बॉलीवुड की गॉर्जियस दीवा करीना कपूर खान अपनी पूरी फैमिली संग बीते कुछ दिनों से लंदन वेकेशन एंजॉय कर रही है। करीना अपने ड्रीम वेकेशन को अपने डार्लिंग हस्बैंड सैफ अली खान और दोनों बच्चों तैमूर और जयसंग अपनी खूबसूरत फैमिली टाइम को यादगार बना रही है। स्टार कपल के वेकेशन की नई तस्वीरें फैंस के दिलों को जीत रही है, लेकिन हॉलीडे से सैफ और करीना की एक अनसीन तस्वीर एक खास वजह से चर्चा में बनी हुई है, जिसे देखकर आप भी हैरान हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर इस फोटो में हैरानी की बात क्या है। करीना कपूर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर तो अपने वेकेशन की तस्वीर लगातार साझा कर ही रही है, इन पर फैंस अपना प्यार भी लुटा रहे हैं, लेकिन करीना के फैन पेज पर अब
उनकी और सैफ की एक अनसीन तस्वीर वायरल हो रही है, जिसके सामने आते ही करीना की तीसरी बार प्रेग्नेंट होने की खबर सुर्खियों में है। वायरल फोटो में करीना कपूर ब्लैक कलर के टैंक टॉप में नजर आ रही है। करीना ने स्लिंग बैग कैरी किया है। न्यूड मेकअप और हाफ टाई हेयर्स में करीना कपूर गॉर्जियस लग रही है, लेकिन फैंस की नजरें तो करीना के टमी पर टिक गई है। करीना के टमी को फैंस बेबी बम बता रहे हैं। करीना की तस्वीर देखने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि वो तीसरी बार मां बनने वाली है और तस्वीर में उनका बेबी बम दिख रहा है, जिसे वो ब्लैक टॉप में छिपा नहीं पाई। वहीं कुछ यूजर्स का ये भी कहना है कि करीना की ये तस्वीर पुरानी है। करीना की वायरल फोटो पर एक यूजर ने कमेंट किया, करीना प्रेग्नेंट है, ब्लैक आउटफिट में उनकी बेली छिपाए नहीं छुप रही है। तस्वीर पर कमेंट करके एक यूजर ने पूछा, क्या करीना फिर से प्रेग्नेंट है? वायरल तस्वीर में करीना का बेबी बम देखने बाद तो कई यूजर्स का दावा है कि करीना सच में प्रेग्नेंट है, क्योंकि उन्होंने वेकेशन से अपनी जितनी भी तस्वीर शेयर की है उसमें अपने पेट को छिपाने की कोशिश की है। अब क्या करीना कपूर तीसरी बार वाकई में मां बनने वाली है या फिर एक्ट्रेस की ये तस्वीर पुरानी है? इस राज से तो अब करीना ही पर्दा उठा सकती है। अब देखते हैं करीना अपनी प्रेगनेंसी की खबरों पर किस तरह से रिएक्ट करती है। रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें एक विदेशी व्यक्ति हरे रामा हरे कृष्णा भजन गाता हुआ नजर आ रहा है। एक समय ऐसा था जब भारतीय संस्कृति से दुनिया रूबरू ही नहीं थी, लेकिन अब पूरी दुनिया भारतीय संस्कृति से जुड़ गई है। दुनिया के कोने कोने से अब लोग पूजा अर्चना के लिए भारत आने लगे हैं। मथुरा वृंदावन में तो विदेशियों की भीड़ लगी ही रहती है। यहाँ तक कि विदेशी लोग भारतीय संस्कृति से इतना प्रभावित हुए हैं कि अब हिंदू धर्म अपनाने लगे हैं। दुनिया में ऐसे कई विदेशी हैं जो हिंदू धर्म अपना चुके हैं और हर वक्त पूजा पाठ में ही लगे रहते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे भी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें विदेशी लोग भजन कीर्तन करते भी नजर आएंगे। आजकल सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक विदेशी शख्स अपनी खूबसूरत आवाज में भजन करता नजर आ रहा है। आमतौर पर विदेशी लोगों को जहां हिंदी का एक शब्द बोलना भी नहीं आता, वहीं ये शख्स हिंदी में इतना सुंदर भजन गा रहा है कि सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। वीडियो में आप देख सकते हैं कि शख्स किस तरह हारमोनियम बजाते हुए हरे रामा हरे कृष्णा भजन गा रहा है। ये भजन भारत में तो फेमस है, अब इसे विदेश में भी लोग खूब पसंद कर रहे हैं। कमेंट करिए अपनी राय। ब्यूरो रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। तो सीढ़ियों का ये जुगाड़ देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आनंद महिंद्रा ने खुद ये ट्वीट किया है, भाई क्या है ये जुगाड़, एक बार तो देखना बनता है। आनंद महिंद्रा को कौन नहीं जानता, वे एक जाने माने बिजनेसमैन हैं। वैसे तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को अपने बिजनेस और काम से फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ऐसे शख्स हैं जो अपने बिजी शेड्यूल से भी फुर्सत निकाल ही लेते हैं और सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। वे तरह तरह की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर शेयर करते हैं, जिसमें से कुछ बेहद ही मजेदार होते हैं तो कुछ थोड़े इमोशनल कर देने वाले भी होते हैं। वहीं उनके कुछ पोस्ट ऐसे भी होते हैं जो काफी हैरान करने वाले होते हैं। आनंद महिंद्रा कभी कभी जुगाड़ से बनी चीजों के वीडियोस भी शेयर करते रहते हैं। उनका ऐसा ही एक पोस्ट आजकल सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसमें एक शख्स ने ऐसी अद्भुत क्रिएटिविटी दिखाई है कि आनंद महिंद्रा भी उसके फैन हो गए। दरअसल शख्स ने छत पर जाने के लिए एक अदृश्य सीढ़ी बनाई, देखने पर पता ही नहीं चलेगा कि वो एक सीढ़ी, क्योंकि शख्स ने अपनी क्रिएटिविटी से लोहे की सीढ़ी को एकदम दीवार में चिपका दिया, जो जरूरत के हिसाब से खुल जाता है और आदमी आराम से उस पर चढ़कर ऊपर छत पर जा सकता है, और जब जरूरत ना हो तो सीढ़ी को फोल्ड करके दीवार से चिपका दी। ऐसी अद्भुत क्रिएटिविटी देखकर लोग तो हैरान, साथ ही आनंद महिंद्रा भी दंग रह गए और शख्स की तारीफ किए बिना नहीं रह पाए।
अगर आपका घर कम जगह में बना हुआ है तो ये क्रिएटिविटी आपके काम जरूर आएगी। महज 24 सेकंड के इस वीडियो को अब तक 3 लाख से भी अधिक बार देखा जा चुका है। आनंद महिंदा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शानदार क्रिएटिव वाले इस वीडियो को शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है, असाधारण इतना सरल लेकिन रचनात्मक। उन्होंने ये भी बताया है कि ये वीडियो कहां का है ये नहीं पता, क्योंकि इस वीडियो को उनके पास किसी ने भेजा। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई। सलमान खान से जो बिजनेसमैन अश्नीर ग्रोवर ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए पूछने गए थे, उस वक्त उनको क्या जवाब मिला था देखिए। शार्क टैंक इंडिया शो पर तो आपने जजेस को फंड रेंज करने आई छोटी बिजनेस स्पॉन्सर्स को डांटते फटकारते देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा किस्सा बताएंगे जहां शो के एक शार्क यानी जज को सलमान खान की टीम से खरी खोटी सुननी पड़ी थी। जी हां, शार्क टैंक के सबसे कंट्रोवर्शियल जज अश्नीर ग्रोवर ने खुद इस किस्से को जग जाहिर किया है। अश्नीर को अपने बिजनेस के लिए सलमान को साइन करना था, लेकिन उनके पास बजट कम था जिसकी वजह से उन्हें ताना सुनना पड़ा था। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के एक सेमिनार के दौरान अश्नीर ग्रोवर ने अपने शुरुआती दिनों का एक किस्सा बताया जहां उन्होंने सलमान खान को साइन करने की बात शेयर की। अश्नीर ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं थे। अश्नीर बोले 2019 में सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर लिया कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरे पास बैंक में 100 करोड़ रुपए थे और उतने में ही मुझे पूरा बिजनेस बनाना था। मुझे ये पता था कि जो भी पैसे के लेन देन का बिजनेस होता है ना, वो ट्रस्ट पर चलता है। अब मैं छोटी कंपनी था, मुझे ओवरनाइट ट्रस्ट जनरेट करना था। अश्नीर ग्रोवर ने आगे कहा, मुझे ये लगा कि मैं सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर ले लेता हूँ। मैंने सलमान की टीम को अप्रोच किया तो उन्होंने कहा कि 7.5 करोड़ रुपए लगेंगे। मैंने कैलकुलेट किया तो 7.5 करोड़ इनको देने होंगे, फिर 1-2 करोड़ तो एड बनाने में लगेंगे, फिर टीवी पर भी तो चलवानी है, उसके बाद भी कई खर्च, कुल मिलाकर 20 करोड़ का पंगा। 100 करोड़ तो मेरी जेब में पड़े हैं और फिर दूसरे राउंड की भी गारंटी नहीं है। तो मैंने कहा मांडवली कर लो। मैंने सलमान खान से बात की, भाई कम कर लो पैसे। वो 4.5 करोड़ में मान गए। इसके बाद अश्नीर ने बताया कि कैसे सलमान खान की टीम को उनसे चिढ़ हो गई। अश्नीर बोले, एक टाइम तो सलमान खान का मैनेजर मुझे बोलने लगा, भाई भिंडी खरीदने आए हो क्या? मैंने कहा भाई है ही नहीं पैसे। जिसके बाद यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट हंसने लगे और अश्नीर की मांडवली चैलेंज पर तालियां बजाने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार, भारत सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।